माफिया जीतू सोनी के लड़के अमित सोनी को सेंट्रल जेल से मिली जमानत। मानव तस्करी सहित अन्य 18 मामलों में अमित सोनी था जेल में बंद। कल पूरे मामले की हुई इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई। सुनवाई के बाद इंदौर हाई कोर्ट ने 2 लाख की जमानत अमित सोनी को किया रिहा। बता दें कि अमित सोनी के पिता जीतू सोनी पर दर्ज है 64 से अधिक प्रकरण। ब्लैकमेलिंग, मानव तस्करी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण है दर्ज। वहीं अमित सोनी पर भी 17 मामले दर्ज थे, सभी में मिली जमानत। इंदौर हाई कोर्ट से बता दें कि उन्हें जमानत मिली है। तर्क ये दिया गया था कि इस घटना से, इस फ्लैट से, इस घटना से अमित सोनी का कोई लेना देना नहीं था। इनके पिताजी के साथ में जो राजनीतिक व्यस्तावर जो इनके लोकसभा पेपर में मिल गई थी, उस व्यस्तावर तो जीतू सोनी फरार थे, इसलिए सब उस रंजिश के कारण इनके विरुद्ध सब झूठे मुकदमे लगाए थे। और इनके विरुद्ध जो है अवैध फ्लैट के कब्जे के अंदर अवैध वसूली के लिए, रुपया वसूली के लिए, शासकीय काम में बाधा पहुँचाने के लिए, अवैध रूप से रिवॉल्वर रखने के लिए, माई होम के अंदर मानव तस्करी और लड़कियों को जो है ये सप्लाई करते थे और अवैध धंधे करते थे, इन सभी तरह के इनके विरुद्ध आरोप लगाए थे। और सभी प्रकरणों में जमानत होके आज इसको जमानत के लिए इनके विरुद्ध 17 प्रकरण थे और 17 प्रकरण में सभी प्रकरणों में इसकी जमानत हो गई, जिसमें 16 केस की जमानत जो है नीचे से ही अदालत न्यायालय ने दे दी थी इनके विरुद्ध। 17 में से 16 हो गए थे पहले। आपका नाम बदला जी? अश्विन कुमार अध्यारू।